हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाई थी अपने ज़ुइन एम क्रेन एम टू की, तो दिस इज ए ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, गिम्बल जो नए लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, गिम्बल बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि अपने वीडियोज़ को और सिनेमेटिक स्टेबलाइज्ड और काफ़ी रिच बनाने के लिए। रिच से मेरा मतलब है कि काफ़ी अच्छी फुटेज आती है अगर आपका वीडियो स्टेबलाइज्ड हो, उसमें क्रिएटिव शॉट्स हो। तो क्रिएटिव शॉट्स करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे मतलब इजी टू डू, इजी तो नहीं कहेंगे, मतलब उसमें थोड़ा दिमाग तो लगता है, पर सिंगल बंदा अगर आपके पास ज़्यादा स्टाफ नहीं है, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा बजट नहीं है, तो कम बजट में आपको ये चीज़ बहुत अच्छी रिजल्ट्स देती है। तो सबसे पहले आज टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इसको बैलेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वैसे शाम हो गई, अगर हो सका तो शॉर्ट्स लेने के दिखाएंगे, बट मेन मोटिव इसमें है हाउ टू बैलेंस क्रेन एम टू, एंड आई विल यूज माय मेन कैमरा जो मैं करता हूँ, दैट इज कैनन G7X Mark II। आई विल बैलेंस दिस on crane M2. So here is the camera. Now I'm opening my gimbal. So सबसे पहले जब आप gimbal लें, इसको fully charge कर लें, दो तीन घंटे लगते हैं उसमें full charge हो जाती है, और इसमें आपको दो ports देखने को मिलते हैं। तो एक यहाँ पर motor पर लगा हुआ है, ये इससे charging नहीं करेगी, इसने अगर इस पर आपने charging को मतलब wire लगा दी USB कोई, तो तबाही हो जाएगी, आपका gimbal ख़राब हो जाएगी। चार्जिंग करने के लिए इसके हैंडल में यहाँ पर पोर्ट बना हुआ है टाइप सी का, ये देखिए, यहाँ से चार्जिंग करनी है फुल। फुल चार्ज करने के बाद ही आप इसको यूज़ करें पहली बार। तो ये पहली बार मैंने इसको चार्ज कर रही है, इट इज़ फुली चार्ज। अब मैंने इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने से पहले सबसे पहले आपको इसमें आपको मिलता है ट्राईपोर्ट, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, कल दिखा दिया था। तो दिस इज द ट्राईपोर्ट। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू माउंट योर गिम्बल विद दिस ट्राईपोर्ट। तो बस इसको घुमा देना है, अच्छे से घुमाएं और इसको यहाँ रख लें। तो ये मैंने अब रख दिया है स्टेबल। अब इसको हमने करना है बैलेंस प्रोसेस। उससे शुरू करने से पहले आपने कैमरे में लगानी है प्लेट, ये रहा कैमरा, नीचे लैच में प्लेट लगेगी, इसके साथ आपको आता है 1/4 का स्क्रू, ये बहुत क्रूशल है, इसी से आपके सारे कैमरे लगने हैं, तो इसको बड़ा संभाल के रखें। और इसमें एक नई चीज़ आपको बता दें, अगर ये गुम ना हो तो आप अगर जब इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसके साथ इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसका यूज़ क्या है, तो ये इसलिए है कि आपने यहाँ लगा दिया, जब यूज़ नहीं हो रहा, जब यूज़ हो रहा है तो इसको वहाँ से निकाल दिया। दूसरा इसका यूज़ है, यहाँ पर कुछ और माउंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, माइक वगैरह, तो वो अभी हमारा है नहीं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू माउंट प्लेट, ये रही प्लेट, एंड इसमें दो आपको दिख रहे हैं गैप्स, बड़ा गैप, छोटा गैप। छोटा गैप है गोप्रोस के लिए और जैसे मेरे कॉम्पैक्ट कैमराज के लिए, बड़ा गैप है मिररलेस कैमराज के लिए। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे और इसको हम माउंट करेंगे इसकी हेल्प से। अब माउंटिंग में भी एक टेक्निक है जो सब लोग नहीं बताते, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका लेंस है, कैमरा है, और ये आपका है प्लेट। फर्स्ट स्टेप है आपका प्लेट लगाना। प्लेट कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको मार्किंग दिख रही है, और ये है आपका कैमरा। तो इसका सबसे आसान तरीका, इसको सही आप लगा रहे हैं कि नहीं, तो आपको क्या देखना है कि जब ऐसे आप हैं तो ये आपके जो डिजिट इसमें दिए हुए मार्किंग के लिए, वो सीधे रहने चाहिए, मतलब आपका कैमरा जो है इसके ऊपर ऐसे आना चाहिए, लाइक दिस। तो ऐसे जब आएगा तो आपकी जो ये मार्किंग्स हैं ये आप पढ़ पाएंगे, तो ये सही तरीका है। अगर ये आपको आपने अगर ये उल्टा है तो आपको सीधा पता लग जाएगा, मतलब ये डिजिट्स जो हैं ये सीधे आने चाहिए, वही सीधा तरीका है। और इसमें जो खड्डे हैं, मतलब प्रोट्रूशन है, वो बाहर की तरफ आएँ, तो ये आपका सही तरीका है। बस ये आपने अंदाज़ा लगा के कि आपके अक्षर सीधे हैं
तो अपने कैमरे के हिसाब से मैं यूज़ कर रहा हूँ छोटा वाला, क्योंकि मेरा पॉइंट एंड शूट है। तो अगर आपका बड़ा कैमरा है तो आप बड़े वाले जो यहाँ पर बड़े वाला प्लेट की जगह है उसमें लगा सकते हैं। तो मेरा छोटा है तो मैं छोटे वाले में लगा रहा हूँ। अब आपने कैमरे को, अगर आपके पास लेंस वाला कैमरा है तो आपने लेंस लगा के ही चलाना है। अब मेरे में जो है लेंस खुलता है तो मैं इसको ऑन कर लूँगा, तो मुझे ऐसे ही बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट एंड शूट में आपका, क्योंकि जब बैलेंसिंग में बाद में खोलेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको हमने ऐसे ही बैलेंस करना है। तो सेकंड स्टेप है इसको हमने, अब टिल्ट एक्सिस जो है इसका गिम्बल का टिल्ट वाला, अब मैं उसको बताने से पहले आपको बता दूं तीन तरह के मोशन करती है हमारी गिम्बल। पहला मोशन होता है टिल्ट, टिल्ट का मतलब है ऊपर नीचे ऐसे, ये होता है टिल्ट एक्सिस, ठीक है। और दूसरा होता है पैन, पैन का मतलब होता है जब ऐसे रोटेट करता है लेफ्ट राइट, इसे कहते हैं पैन। और ये कौन करती हैं, पैन मोटर्स। ये हो गया टिल्ट, ये करती हैं टिल्ट मोटर्स, ये होता है पैन, ये करती हैं पैन मोटर्स। और इसके बाद आता है तीसरी मोटर रोटेशन, वो होती है ऐसे, वो करती है रोटर रोटेशन मोटर। तो ये तीन तरह की मोटर्स होती हैं, ये होते हैं थ्री एक्सिस। तो टिल्ट एक्सिस पे इसका स्लॉट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमने टिल्ट एक्सिस पे इसको लगाना है। ये है इसका टिल्ट वाला, इस पे हमने इसको, यहाँ से प्लेट घुसेगी, ये आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं। ये टिल्ट जो एंगल है ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर हमने स्लाइड करवानी है ये प्लेट। ये है इसका मोशन, ये देख रहे हैं यहाँ से ये स्लाइड होके उसमें जाता है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा थोड़ा और, तो लॉक पहले खोल लें यहाँ से, तब ये थोड़ा लाइक दिस, ये चला गया अंदर। उसके बाद इसको कर दें टाइट, तो इस तरह से आपका कैमरा माउंट हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। अब हमने नीचे वाली जो इसकी प्लेट है इसको थोड़ा, अभी देख रही है टेढ़ा हो रहा है, ये हमने करना है इसको सीधा। तो सीधा करने के लिए इसको थोड़ा हम लेफ्ट राइट घुमाएंगे, इसको थोड़ा लूज करेंगे ताकि कैमरा आगे पीछे करके हम इसको, हमने इसका मेन उद्देश्य है इसको सीधा रखना है। तो यहाँ से देखते हैं सीधा होता है, अभी भी नहीं हो रहा, देखिए गिर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने पकड़ा है तो अब कैमरा थोड़ा सा आगे टिल्ट हुआ हुआ है। हमारा है कि हम थोड़ी सी सेटिंग रहेगी कि ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाए। तो आप देखिए ऑलमोस्ट हल्का सा फर्क पड़ रहा है, वो मैं इसको करता हूँ एडजस्ट। सो दिस इज द पोजीशन परफेक्ट, इससे ज़्यादा मतलब अप्रॉक्सीमेशन में ये इसका पहला जो टिल्ट एक्सिस पे ये स्टेबल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको पूरा कर देना है ऊपर लाइक दिस, ताकि ये ऊपर फेस करे। और अभी ये नीचे जा रहा है तो ये हमने ऐसा कुछ इसको सेटिंग करनी है कि ये सीधा रहे इस तरह से, तो वो हम करेंगे। हल्का सा टेढ़ा है, थोड़ा सा और करते हैं आगे। देखिए तो ये अब सेकंड स्टेप डन। फ्रेंड्स, पैन एक्सिस के लिए ये वाला थंब स्क्रू,
अब ये बिल्कुल स्टेबल खड़ा है, इसको हमने आगे पीछे करना है ताकि ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए ग्राउंड के। क्या निशानी है कि आपका जो बैलेंस है गिम्बल का ठीक है, वो चेक करने के लिए वो आपको टेस्ट बताता हूँ। तो ये है बैलेंस्ड गिम्बल। अब चेक कैसे करना है, इसको जहाँ भी हम अब कर देंगे ये हिलेगा नहीं। ये सीधा किया तो सीधा नहीं हिला, ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया, हॉरिजॉन्टल खड़ा कर दिया तो हॉरिजॉन्टल का कर दिया। जब जिस पोजिशन में हम चाह रहे हैं ये कैमरा हिल नहीं रहा, इसका मतलब ये है बैलेंस हो गई है। सीधा रखा तो सीधा रख दिया। अब ये जब चीजें हो जाएं, ये देखिए, इन चीजों का मतलब है कि आपकी जो गिम्बल है वो बैलेंस्ड है। जिस डायरेक्शन में आप कैमरा खड़ा कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ये आ जाती है। ये सब करने के बाद आपकी गिम्बल जो है वो रेडी है यूज करने के लिए। तो उसको पावर ऑन करने से पहले आपको इसका जो लॉक किया हुआ हमने रोल वो आपने खोलना है, वो है इस तरफ, ये देखिए। अब मैं ये खोलने वाला हूँ क्योंकि अब मैंने मुझे गिम्बल जो है ऑन करनी है। तो अब मैंने ऑन कर दिया है, मतलब यहाँ से ये वाला रोल एक्सिस भी हिलेगा। और अब हम करेंगे गिम्बल को ऑन और बनाएंगे अपनी डॉटर का वीडियो। तो ये है इसका ऑन बटन। पापा एंड में मुझे बुलाना और फिर आप उन्हें ये मेरी डॉटर है। ओके ओके, इसको बस हमने ऊपर प्रेस करना है। और गिम्बल ऑन हो जाएगी। यस, तो गिम्बल ऑन हो चुकी है। अब हमने ये